मैथ 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 आई डोंट लाइक इट आई अवॉइड बट एग्जाम लाइक इट सो आई कैन नॉट अवॉइड। ये सारे बच्चों का विचारधारा है कि भैया मैथ तो हमें अच्छा लगता ही नहीं है, अगर एग्जाम ना रहे तो हम पढ़ना छोड़ दें मैथ। तो अब पढ़ना छोड़े या पढ़ें, बट 10th क्लास में अगर आप हैं तो एग्ज़ाम तो देना होगा और पेपर तो इसका भी 90 का आता है और कहीं ना कहीं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर हो जाता है 10th क्लास के लिए, क्योंकि फ्यूचर में सब जब भी जाएंगे तो सब कोई आपसे पूछता है कितना मार्क्स आया, उसके पहले ये पूछ लेता है मैथ में कितना मार्क्स आया अगर असली जजमेंट देना है आपको, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जब पिछला वीक में यूट्यूब पर लाइव आए थे तो आपसे एक सजेशन के तौर पर हमने बोला था कि वो क्या हमें मैथ का MCQ सीरीज लाना चाहिए, तो आप सब ने बोला था हाँ। तो आज हम लोग मैथ का MCQ सीरीज अनाउंस कर रहे हैं जो हम लोग का जनवरी के एंड तक चलेगा। तो ये MCQ जो सीरीज है इसको हम लोगों ने नाम दिया सामर्थ्य नाम से, यानी अपना एबिलिटी जो है यानी अपने अंदर जो क्षमता है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इन डैट केस आपका भी अपनी क्षमता उभर के बाहर आएगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ हाथ पकड़ के हम चलेंगे आपके साथ। तो पूरा कंप्लीट हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ज़रा, जैसे ये आपका क्या सेशन रहेगा, ये हम लोग का जो सामर्थ्य बैच है ये क्या रहेगा बाबू, MCQ और SAQ का सीरीज रहेगा, यानी कंप्लीट आपका 10th क्लास के बोर्ड में जो मैथ का एग्जाम है जितना भी MCQ आता है, भैया कितना आता है, जितना भी SAQ आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग कंप्लीट टारगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन लगभग बुक से ही आ जाता है और सारे वो टीचर करा देते हैं, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वो सारे टीचर करा देते हैं, ठीक है। कैसे भी आपने समझ आए ना समझ में, बट ऑल दो जब सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो पोर्शन ठीक है और जब निकल जाता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है MCQ हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया और 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ये बुक से नहीं आता, ये कॉन्सेप्टुअल रहता है। इन डैट केस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आप अगर कभी बुक देखिएगा तो उसमें MCQ हर चैप्टर में 4-5 MCQ है, अगर वही देने लगे तो रिपीटेडली पॉसिबल नहीं है ना, कि कहाँ से नया इतना MCQ आएगा हर साल देने के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो सब पोर्शन बुक से नहीं आता है, तो इस पोर्शन को हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो इस पोर्शन से मार्क्स कितना आता है भैया बोर्ड में, तो देखिए ज़रा, आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 MCQ मिलेगा और 6 ही करना है, तो यानी 6 नंबर यहाँ से हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स आपको आएगा, यानी रिक्त स्थान यानी खाली जगह ये छोड़ देगा, वहाँ भरना होगा। उसके लिए आपको मिलेगा 6 क्वेश्चन जिसमें से करना आपको 5 है, आप एक छोड़ सकते हैं। ट्रू फॉल्स सही गलत, ये आपको मिलेगा 6 क्वेश्चन करना 5 है, बस समझ में आया। यानी यही तक आप देखते हैं तो 16 नंबर हो गया। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 2-2 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा आपका 12 ठो जिसमें से करना कोई 10 रहेगा, और कितना 2-2 नंबर का मिल गया, कितना हो जाएगा 20 नंबर। तो यानी टोटल देखते हैं तो ये जो आपका MCQ सेशन हम लोग का चलेगा इसमें हम ये सारा कवर करेंगे, 36 मार्क्स, ठीक है। यानी 6 नंबर का आपका MCQ हो गया, ठीक, और फिर आपका 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का ट्रू फॉल्स और 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो 10 ठो यानी 20 नंबर का, टोटल 36 मार्क्स। देखिए इस सीरीज के दौरान हम इन डेप्थ एक एक फार्मूला को डेरिवेशन बेस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। इन डेप्थ हम डेरिवेशन उसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी जिस बेस पे चल रही हैं, तो हम इन डेप्थ ऐसे करने लगे तो फिर पूरा हमको 26 चैप्टर पढ़ाना पड़ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ऑल दो जो आपको हम रेफरेंस दे देंगे कि हाँ ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करें, मतलब एक सॉल्व आउट हम लोग एक प्रोसेस देखेंगे। हम लोग कैसे करेंगे कि एक क्वेश्चन आपको देंगे वहाँ पे, जिस जैसे MCQ है तो उसके लिए 45 सेकेंड, 1 मिनट का यहाँ पर टाइमर लगा देंगे, आप लोग उसको ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद से जो हुआ आपका आंसर कमेंट करेंगे, फिर उसका हम एक बार उसको सॉल्व इट आउट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मतलब जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, जिनको प्रॉब्लम लग रहा है, जिनको लग रहा है क्वेश्चन आंसर क्या होगा, वो सारा आप लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे इसको, भैया ये होगा कहाँ पे, तो ये कम्प्लीटली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग का होगा यूट्यूब पे ही, और हर संडे को यानी अब नेक्स्ट संडे जो भी आ रहा है, हर संडे को हम डेली लाइव आए, तो हर संडे को हम लाइव आएंगे 4:30 PM, यानी हर संडे को हम लोग कब आएंगे वो 4:30 बजे लाइव आ जाएंगे और 1 घंटा 1.5 घंटा जाएगा, यानी मैक्सिमम 6 बजे तक हम लोग जाएंगे। और इस सीरीज को हम लोग कब तक कंटिन्यूस करेंगे बाबू, हम लोग टोटल जनवरी के एंड तक जाएंगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस बेस पे करते रहिएगा जिससे आप लोग का फायदा रहेगा, और ये क्वेश्चन जो रहेगा हम लोग का लाइव में करेंगे, यानी इन दैट केस जो भी आपका लेक्चर होगा ये लाइव में होगा, रिकॉर्डेड वगैरह नहीं रहेगी, यानी आप लोग भी साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट संडे को प्रिपेयर होके, यानी इन दैट केस पेन कॉपी लेके तब क्लास ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम लोग साथ में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ताकि आपको भी अंदाजा लगे, बस समझ में आया। तो हम किसी भी रैंडमली चैप्टर का उठा लेंगे और उस चैप्टर पर हम लोग MCQ डिस्कस कर लेंगे, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बस समझ में आया। तो चलिए विद्वान अच्छे से तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और आप लोग का ये डिमांड था तो हमने सोचा कर दिया जाए, और आप लोगों के लिए बहुत बेटर है क्योंकि 36 मार्क्स ठीक है, ये जरूरी है आप लोगों के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका बुक वगैरह से प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो चलिए अगले हम लोग संडे को मिलते हैं लाइव आपसे, और इस पे हम लोग सारा जो आपका ये सीरीज है समर्थ सीरीज को हम लोग समर्थ बनाते हैं कि किसी काबिल ये हो जाए, ताकि लास्ट में जब आप लोगों को ऑल दोज कुछ अच्छा हो तो आप लोग बताएं कि हाँ भैया ये ठीक था, तो उस समय हम लोग को अच्छा लगेगा। चले भी दोनों, तो अब संडे को हम लोग लाइव आपसे मिलते हैं और बाकी बातें।